वहीं बात अगली खबर की। नारनौत की अनाज मंडी से एक ट्रक चालक फर्जी तरीके से गेहूं की गाड़ी भरकर हजारों रुपए का चूना लगाकर मौके से फरार हो गया। विभाग ने अड़ैती व ट्रांसपोर्टरों को नोटिस देकर जवाब मांगा है। 5 दिन बीत जाने के बाद भी इसकी शिकायत पुलिस को नहीं दी गई है। नारनौत की अनाज मंडी में 7 मई को एक ट्रक चालक गाड़ी को लेकर अड़ैती रामफल सिंह की दुकान पर जा पहुंचा और बोला कि ये खाली गाड़ी की पर्ची कटी हुई है, जल्दी से इसमें गेहूं भर दो। तो अड़ैती ने गाड़ी में 140 क्विंटल गेहूं लोड करवा दिया और अड़ैती के मुनीम ने फूड सप्लाई विभाग से गेट पास कटवा कर ट्रक चालक को दे दिया। अपने मुंह पर कपड़ा लगाए हुए ट्रक ड्राइवर काफी देर तक अड़ैती की दुकान में ही बैठा रहा। गेट पास मिलने के बाद ट्रक ड्राइवर गाड़ी लेकर फिर धर्मकांटे पर पहुंचा और गाड़ी का कांटा करवा कर गाड़ी को दूर ले जाकर खड़ा कर दिया। अधिकारियों ने रात के समय गेट पास का मिलान किया तो गोदाम में ये पाया गया कि गेट पास 80 नंबर की गाड़ी गोदाम में नहीं पहुंची है। जब गाड़ी के बारे में पता किया गया तो गाड़ी का कोई सुराग नहीं लगा। ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि इस नंबर की गाड़ी उन्होंने गेहूं भरने के लिए मंडी में नहीं भेजी थी। 5 दिन बीत जाने के बाद भी ट्रक का कोई सुराग नहीं लग पाया। ऐसा है, यहाँ 7 तारीख को एक गाड़ी कंडा होके और गेहूं उठान के लिए नानोद अनाज मंडी में आई, जो टाटा आइशर की गाड़ी थी। आरती के द्वारा गाड़ी में 140 क्विंटल गेहूं भरवा कर और आरती के मुनीम के द्वारा गेट पास कटवाया गया। गाड़ी गेट पास कटवाने के बाद धर्मकांटे पे गई, वहाँ उसका वजन हुआ। जब शाम को हमने मिलान किया गाड़ियों का कि कितनी गाड़ियाँ हमारे पास आ गई, कितनी गाड़ियाँ हमारी मिशिंग हैं, तो उसमें हमने पाया कि 80 नंबर गेट पास की गाड़ी अब तक हमारे पास नहीं पहुंची है। उसके बाद छानबीन करने पर, पता करने पर थोड़ा ये पता लगा कि यह गाड़ी कहीं ना कहीं मिसप्लेस हुई है। तो क्या पुलिस में इस कंप्लेंट दी है गाड़ी? नहीं जी, पुलिस में इस बारे में मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं दी गई। पुलिस में कंप्लेंट देने का काम आरती और ट्रांसपोर्टर का ही है, किसके लिए? क्योंकि गाड़ी ट्रांसपोर्टर के माध्यम से भेजी जाती है और आरती की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो जिस गाड़ी को मैं गेहूं लोड करवा रहा है वो उसको कन्फर्म भी करना चाहिए कि ये गाड़ी है कहाँ से। क्या पता चला है गाड़ी कहाँ की थी वो? नहीं सर, ऐसा हमारी नॉलेज में किसी प्रकार का कोई मामला नहीं है कि गाड़ी कहाँ की है। हमारे द्वारा इस बारे में आरती और ट्रांसपोर्टर को नोटिस दे दिया गया है और विभाग के उच्च अधिकारियों को